हाँ ठीक है बच्चों, तो ये कुछ डाउट्स रह गए हैं तो उस डाउट्स को ले लेते हैं। पहले एक्सरसाइज टू में आते हैं। एक्सरसाइज टू पार्ट टू नाइन्थ क्वेश्चंस से पीछे है क्या? ये है नाइन्थ, ये वाला नाइन्थ क्या तनिषा? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो बच्चों ये नाइन्थ सवाल देखते हैं क्या है। बुकलेट से एकदम कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, तुम लोग सिंसियर बच्चे हो। लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए माइनशाफ्ट एंड डिसेंड्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड लेटर ए बॉय थ्रो ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द स्टोन हिट्स द लिफ्ट एट डिस्टेंस एक्स बिलो द शाफ्ट। राइट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई थ्री। सो बच्चों क्या कह रहा है, सपोज ये लिफ्ट है और यहां से ये नीचे जाना शुरू किया है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट स्पीड। और एक बॉल है, इसको यहां से ऊपर थ्रो कर दिया गया, कितने देर बाद? 4 सेकेंड बाद, है ना? टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसको 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया गया। कह रहा है कि जब बॉल कहीं, सॉरी, द लिफ्ट जो है वो कहीं नीचे आया है एक्स डिस्टेंस, तो ये बॉल ऊपर जाके ऐसे करके ये लिफ्ट को हिट किया है। ठीक है, क्लियर ना? तो बच्चों इसमें कहानी ये है कि टी इक्वल टू जीरो पे ये स्टार्ट हुआ और सपोज ये टी टाइम पे हिट किया है, तो लिफ्ट ने कितना डिस्टेंस चल गया होगा? एक्स जो होगा वो कितना होगा बच्चों? 10 टी, कांस्टेंट स्पीड से गया। अगर टी निकल गया तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सो कहानी ये है कि ये स्टोन उतने देर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही हुआ है बच्चों। सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 30, एक्स लेकिन नीचे है और 30 ऊपर है, तो डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेता हूँ बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा -30। और ये कितना देर चला है बच्चों, स्टोन कितना देर चला? टी या टी माइनस फोर? प्लस डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हूं, हाफ जी का वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, कहा भी है 10 लेने के लिए, इंटू टी स्क्वायर, सॉरी टी माइनस फोर का स्क्वायर, है ना? एक्स का वैल्यू है 10 टी, पुट कर दो। अब देखो ये सॉल्व करो, ये सॉल्व क्वाड्रेटिक आ जाएगा एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी निकल जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 10 टी कर दोगे। तो जल्दी से स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करो। तनिषा कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? चलो बच्चों कॉम्प्रिहेंशन वन डिस्कस कर लेते हैं। द ग्राफ बिलो गिव्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम दिया हुआ बच्चों।
सो बताओ इसमें स्लोप क्या बताएगा? dx by dt will tell us about velocity. बहुत बढ़िया. AM is the tangent to the curve at a starting moment and BN is the tangent to the curve at the end moment. यहाँ पर theta one theta two दोनों दे दिया है 120 degree. ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं. मतलब अगर पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों? dx by dt हो जाएगा tan थीटा और tan 120 डिग्री कितना हो जाएगा? माइनस tan 60 डिग्री. एम आई राइट? 180 माइनस 60 माइनस रूट थ्री. बच्चों इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी माइनस रूट थ्री का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो इधर है. तभी तो देखो एक्स इज इक्वल टू 100 पे था, अब उसका कम हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है ना? एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है और माइनस 100 की तरफ जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे आ गया. तो अब आगे बढ़ते हैं. ये ग्राफ सबने देख लिया. सो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं. ये पेज नंबर था कौन सा? 21 22. बच्चों पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड. बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मुझे लगता है कि 20 सेकंड में ग्राफ ऐसा था. मैं ड्रॉ कर लेता हूं. 10 से स्टार्ट किया, सॉरी ऐसा था और ये माइनस 100 था और ये प्लस 100. बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 200 हुआ है क्या? और माइनस 200 एक नेगेटिव डायरेक्शन में डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? माइनस 10 मीटर पर सेकंड. वाला सवाल क्लियर? यस सर. एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन 20 सेकंड? t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? वेलोसिटी कितना है? सारे बच्चे ध्यान देना. एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? v2 - v1 डिवाइड बाय डेल्टा t. यहां भी देखो वेलोसिटी कितना है? माइनस रूट थ्री माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी कितना है बच्चों? माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय डेल्टा टी 20 सेकेंड. ये तो हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा आंसर? 0. तीसरा सवाल देखते हैं. द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड इज. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना? फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यहां है. तो देखो वेलोसिटी अभी किधर है? माइनस आई कैप में. फिर देखोगे तो स्लोप कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. समझ में आ रही है? yes. मतलब मैग्नीट्यूड जैसे सपोज माइनस रूट थ्री है तो माइनस 1.73 है, फिर हो जाएगा माइनस 1.5, फिर हो जाएगा माइनस 1 point something और घटते घटते कुछ यहाँ कम हो गया. ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? अगर माइनस आई कैप में होता तो बढ़ते जाता, तो प्लस आई कैप में होगा. क्योंकि यहां और यहां के बीच में करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो सम प्लस आई कैप में आ जाएगा. समझने के लिए मैं, चूंकि 1.73 है, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, तो यहाँ माइनस 10 है तो यहाँ पे सपोज माइनस 5 बच्चों. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? माइनस 5 आई कैप माइनस माइनस 10 आई कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी. क्लियर? ये समथिंग आ जाएगा 5i cap by delta t. Is it clear? Yes, sir. The time interval during which the motion is retarded.
यही है स्लोप, देखो पिछला ग्राफ लेके चलाता हूँ, दिखाता हूँ प्रीवियस पेज। यहां से बच्चों देखो ये अभी स्लोप क्या रहा है, मैग्नीट्यूड में घट रहा है तो स्पीड घट रहा है बच्चों, तो रिटार्डेड है। और फिर यहां से देखो यहां से फिर स्लोप बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। 10 सेकंड तक मैग्नीट्यूड घटा, फिर 10 सेकंड नेक्स्ट में बढ़ेगा। सारे सवाल हो गए, पार्ट फोर हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज टू, पार्ट वन मल्हार ने पूछा है। सर ये फोर्थ का मतलब टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच मोशन इज रिटार्डेड, ये 10 to 20 सेकंड होगा ना सर? फिर रिटार्डेड का मतलब हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड डिक्रीजिंग। क्लियर? यस सर। तो स्पीड डिक्रीजिंग दिखा, तो ये अभी ज्यादा स्पीड है, फिर कम हो रहा है, फिर स्लोप कम हो रहा है। yes, समझा आयुष? यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। हाँ बोलो सर। हमने एवरेज वेलोसिटी फिर 10 थीटा 2 माइनस 10 थीटा 1 अपॉन टोटल 10 क्यों नहीं लिया? कौशल ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, तो जाके नोट्स पढ़ना कौशल। वी एवरेज हमने क्या पढ़ाया, क्या मैंने V1 प्लस V2 बाई 2 पढ़ाया है क्या V एवरेज, या V एवरेज लोग कंफर्म करो नोटबुक में क्या पढ़ाया बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया, 1 या 2? मैंने तो 2 पढ़ाया। ये तो तुम्हारे दिमाग की उपज हो जाती है कि ये लगा लेते हो V1 प्लस V2 बाई 2, ये तो गलत है। ये सही होता है, एक स्पेशल केस में सही होता है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब ये सही हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन हमको एक पर्टिकुलर केस में कोई सही है तो उसको थोड़ी फॉर्मूला कहेंगे, तो उसको कहेंगे जो जनरल केस में सही है, तो दिस इज द फॉर्मूला। कौशल ये क्लियर ना? तो अभी ये नहीं लगाना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये लगाना है। यस सर, यस सर। एंड दिस इज वेरी कॉमन डाउट बच्चों, ये अभी गलती कर रहे हो, बाद में जाके 12th में भी बच्चे यही गलती करते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी ही कर लो, 12th में मत करो, जेई के एग्जाम में मत करो, मेंस के एग्जाम में मत करो। चलो तो इस बैच का आपको बच्चा अगर किया कि वी एवरेज V1 प्लस V2 बाई 2, तो ध्यान देना बहुत डांट पड़ेगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पार्ट फोर का मतलब ये फोर्थ देखा ना सर, उसमें हमने तो जो रिटार्डेशन होगा मतलब मैक्सिमम स्पीड वो डिक्रीज होते जाएगा, फिर उसका आंसर वो स्पीड और डिक्रीज हो रहा है सर, तो मतलब वो स्पीड वो सर निगेटिव होगा, इसलिए वो 0 to 10 सेकंड है ना सर। तू पहले तो कंफर्म कर ले तू क्या बोलना चाह रहा है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं आयुष? यस। स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर? या इसी को है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो कहेंगे कि रिटार्डेड मोशन है। इज इट क्लियर? यस सर। अब बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? मैं तीसरी बात कर रहा हूं। यस सर, मेरा ये डाउट था कि वो बिटवीन इसका आंसर जो 0 to 10 सेकंड आ रहा है, मतलब जो ग्राफ है उसमें जो वेलोसिटी है वो 0 to 10 सेकंड में डिक्रीज हो रही है।
इसलिए क्या सर? यही तो बता रहा हूँ, क्यों करो, डिक्रीज हो रहा स्पीड, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे स्लोप अभी है ज्यादा, है ना। तो इसको सपोज मैं कहता हूँ कि ये -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्लोप बच्चों ये हो जाएगा थोड़ा कम, एंगल ये बड़ा हो गया लेकिन मैगनीट्यूड में देखो तो कम हो जाएगा, तो ये होगा सपोज -5, फिर हो जाएगा सपोज यहाँ पे -2, तो क्या हो रहा, मैग्नीट्यूड कितना है 10, 5, 2, स्पीड कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिटार्डेड कहेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, स्लोप बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड में, जेंटिक ज्यादा स्टिप हो रहा है। yes, sir. अब बताओ अब क्या डाउट है, मैंने क्लियर कर दिया एकदम से क्लियर, फिर भी तुम्हें बड़ा डाउट रह जाता है। उस थैंक यू सर, तुम बता दो यार, मुझे ये चाहिए कि ये जो एकदम से सिंपल सिंपल डाउट आते हैं ना तुम्हें आयुष, वो खत्म हो जाने चाहिए, वो कम नहीं हो रहे तुम्हारे। yes, तो मतलब क्लियर ही नहीं होता है, या तो तुम ध्यान से ही नहीं सुनते हो। अब बताओ मतलब क्लियर कर लो, एक थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट क्लियर इट कि क्या प्रॉब्लम था तुम्हें, मैंने पहली बार समझाया था। इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ये स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप पहले स्टिप था फिर कम हुआ, फिर yes, कम हुआ। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा सवाल है। अदरवाइज आयुष क्या होगा ना, इतना टाइम लगेगा सिलेबस आगे बढ़ाने में कि फिर हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक्स ही पढ़ते रह जाएंगे, और इस बैच को मुझे बहुत तेज ले जाना है, थोड़ा फास्ट ले जाना है, इन लोगों को थोड़ा मस्ती कराना है। बाकी बच्चे भी पूछे यार, सिर्फ आयुष को ही पूछने देते हो तुम लोग ही मस्ती करते रहते हो, उसी को डांट पड़ती है थोड़ी। चलो नेक्स्ट सवाल आ रहा है, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 6 मल्हार ने पूछा है, पहले पीछे ही यार तुम लोग बड़ा लेट लेट पूछते हो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कहाँ खोजूं मैं, पार्ट 1 का 6, ये 6 सवाल है मल्हार। ये सर यही है, ठीक है देखते हैं, इतना पीछे लेके आया मुझे। ए वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम टैप 5 मीटर बिलो द सॉरी 5 मीटर अबव द ग्राउंड, थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द स्टैंड, फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप एट द स्टैंड। बच्चों ये टैप वाटर यहाँ है और ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया थर्ड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप कहीं यहाँ होगा और फर्स्ट ड्रॉप टच कर रहा है, ठीक है ना। अब ये रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है बच्चों, तो मान लो ये तीनों टाइम का रेगुलर इंटरवल है, तो ये तीनों टाइम चला है सेकेंड, तो फर्स्ट वाला कितना टाइम चला होगा, 2T0 चला होगा। तो बच्चों देखना, ये हाइट है h, तो h को हम कह सकते हैं कि दिस इज हाफ g इंटू 2T0 का स्क्वायर, और इसको क्या कह सकते हैं, h डैश जिसके बारे में पूछा है, h डैश फ्रॉम द टॉप हाफ g इंटू 3 नॉट स्क्वायर, एम आई राइट बच्चों, सो h डैश बाई h कितना हो जाएगा 4, सो h डैश कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी 1/4 हो जाएगा, है ना। सो h डैश कितना हो जाएगा बच्चों, h बाई 4 मतलब 5/4। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि सेकेंड ड्रॉप कहाँ से
how far above the ground the second drop is. So what will be the answer? ये हो जाएगा. Is it clear? 100% clear? Yes sir, clear. Ayush? Yes sir. फिर से देख लेता हूँ यार. चैट बॉक्स में नेक्स्ट कौन सा डाउट है. कौशल का नेक्स्ट डाउट आ रहा है. एक्सरसाइज टू पार्ट वन हो गया, मल्हार का हो गया, अनुष्का ने बताई डीपीपी का डाउट. डीपीपी का लेते हैं बाद में. हाँ, तनिषा ने पूछा है सर फ्राइडे का क्या होगा सिलेबस. फ्राइडे के टेस्ट का सिलेबस बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स है अप टू डिफरेंशिएशन. कहीं से कुछ आवाज आई नहीं समझा सर. इंटीग्रेशन नहीं. नहीं इंटीग्रेशन नहीं है. एक्सरसाइज थ्री पार्ट टू का एट नेक्स्ट सवाल जा रहा हूं. एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन है ये, पार्ट टू का एट. एट बच्चों ये ना 2D मोशंस हो गया, ये गलती से यहां दे दिया है. ठीक है, ये फिर भी कर सकते हैं. क्या हुआ है, ये गलती से यहाँ पे दे दिया, बट स्टिल वी कैन डू. सो ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप. सो इसका इधर वेलोसिटी है 3 आई कैप. देखो 2D मोशन सपोज जो स्टार्ट करने वाला था, इसी सवाल से स्टार्ट करता हूँ. एक्सेलरेशन कितना है, 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप है ना. So, y कोऑर्डिनेट में भी इसमें मोशन हो रहा है बच्चों, x कोऑर्डिनेट में भी हो रहा है. y कोऑर्डिनेट के लिए अभी जस्ट पूरा एक्सप्लेन करके लिखूंगा. y डायरेक्शंस का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रेस्पॉन्सिबल है. तो y डायरेक्शंस का एक्सेलरेशन कितना है, 4. तो y डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. y डायरेक्शंस का एक्सेलरेशन 4 है t स्क्वायर. अब ये कहा है कि y कोऑर्डिनेट हो गया 32 बच्चों, कितना हो गया 32 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर. दैट मीन्स t कितना आ गया, 4 सेकेंड. देखो ये एग्जैक्टली सोचो कि 2D मोशंस का स्टार्टिंग है. कुछ समझ में शायद नहीं आया बहुत बच्चों को, बट मुझे लगता है कौशल तुझे समझ में आ जाएगा. व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बच्चों, ये वाला टर्म और ये वाला. तो 3 इंटू 4 यूटी प्लस हाफ 6 इंटू टी स्क्वायर 4 स्क्वायर. कैन यू सॉल्व दिस, 12 प्लस कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48 है ना, कितना हो जाएगा 60 मीटर. आई बात समझ में. सो देखो अभी पार्ट वन जो है ना, ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है. कैलकुलस बेस्ड में जनरली लास्ट में एक बार लेता हूं, बट स्टिल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो बच्चों डीवी बाई डीटी जो ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट. बच्चों इसमें क्या करो, डीवी और रूट वी को, ए वी वाले टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू डी टी.
ऐसे सवाल लूंगा, अभी इसको क्या करना, क्या करने का मन कर रहा है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें क्या? इंटीग्रेशन dv by root v, इसका कर लो यार, v to the power minus half है, ये शायद 2 root v आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, that is equal to 2.5 dt का इंटीग्रेशन t, और साइन क्या है माइनस है यहाँ पे, t is equal to 0 पे what is the velocity 6.25, किस टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया ये पूछ रहा है, है ना? तो अब अपर लिमिट माइनस ये, तो 2 बाहर ले लिया, 0 माइनस रूट 6.5 कितना हो जाएगा 2.5, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 इनटू टी, बच्चों ये 2.5 ये 2.5 चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, टी कितना हो जाएगा 2 सेकंड आ गया। आर इट क्लियर? यस सर। मैं एग्जैक्टली ऐसा सिर्फ कैलकुलस बेस्ड सवाल का एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना, जो कि इस बैच में कुछ बच्चे भी कैलकुलस किए भी नहीं, तो बहुत ज्यादा फोकस उस पर हम नहीं कर रहे, बट वो हो जाएगा। चलो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, जेई मेन में पूछा है, सेकंड सवाल, बच्चों यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन, और यू स्टार मार्क कर लो इसको। पढ़ो एक बार, देखते हैं क्या है। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. एक टावर है बच्चों जिसका हाइट कितना है h, और इसको u स्पीड से थ्रो किया है, और ये कह रहा है ये मैक्सिमम हाइट पे कुछ गया, एंड देन ये हिट दिस, n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर स्पीड u है तो इसको ऊपर जाने का टाइम कितना लगेगा, टॉप मोस्ट पोजिशन जाने का टाइम u बाई g, बच्चों फिजिकल यू बाई जी होता है ना ऊपर जाने का टाइम। अगर मैं पूछूं इसका पूरा यहां से यहां हिट करने का टाइम अगर टी है, तो टी कह रहा है एन यू बाई जी, एम आई राइट? यस सर। अब देखो रिलेशन किसके बीच में पूछा है, एच के बारे में, यू के बारे में, तब देखो ये टाइम इतना है तो एच क्या हो जाएगा, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे बच्चों तो डाउनवर्ड हो जाएगा h माइनस s इज इक्वल टू यू टी, यू प्लस ले लिया, फिर n u बाय g यू टी माइनस हाफ g इंटू n u बाय g का स्क्वायर, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, क्लियर? एक्सरसाइज 2, आयुष ने पूछा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3 का किसी का और डाउट्स बचा हुआ है? पार्ट 2 8 हो गया, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का 4 हो गया, चलो हो गया, लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। अनुष्का ने एक्सरसाइज 3 का 5th सवाल पूछा है, इसमें 5th नहीं है, 5th के लिए
ये सवाल अनुष्का? यस सर। चलो फिफ्थ। अच्छा दो क्लास पूरा सीट के डिस्कशंस में लगा है, अब सीट्स कंप्लीट नहीं हुआ ना तो बहुत पिटाई होगी तुम लोगों को। आर्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड v इज इक्वल टू b रूट x। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू tau। देखो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दिया है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, और बाद में किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर एक्स को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल लें तो काम हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी टी बी रूट एक्स। अब बच्चों क्या करने का मन कर रहा है अनुष्का? शायद सॉल्व हो गया अब तक, हो चुका है कि नहीं? अनुष्का क्लियर? यस सर। टी इक्वल जीरो पे एक्स जीरो लिखा हुआ है बच्चों, एज्यूम द पार्टिकल एट ओरिजिन एट टी इक्वल जीरो, तो टी जीरो पे एक्स जीरो तो क्या आ जाएगा, टू रूट एक्स दैट इज इक्वल टू बी इंटू टी, किसी टाइम पे ये है, ठीक है ना, ये रिलेशन हो गया। अब बताओ वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या है, किसी बी रूट एक्स है, रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख लोगे, बी टी बाई टू, रूट एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आ गया, बी स्क्वायर बाई टू इंटू टी आ गया, ठीक है। ठीक है जगह टाउ पुट कर दो कि टाउ टाइम पे टी इज इक्वल टू करेगा दो सेकंड, तो दो सेकंड पुट कर देंगे, सो विच वन इज करेक्ट, फोर्थ। तो ये थ्री सवाल है, देखो थर्ड बहुत जल्दी इस पर टेस्ट रहेगा बच्चों, इस पर भी टेस्ट रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन पे। ए हेल्दी यंग मैन इज टर्निंग एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम 11.5 मीटर हाई बिल्डिंग। ये एचसी वर्मा का सवाल है बच्चों। यहां से 6 मीटर पे बताना कि ये क्यों डाउट है, 6 मीटर पे एक आदमी खड़ा है और ये क्या देखा कि एक बच्चा यहां से बेचारा स्लिप कर गया और ये नीचे गिरना शुरू हुआ। आयुष बताना ये हाइट कितना दिया है, 11.5 मीटर। आयुष कैन यू टेल मी कि इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, यू अपॉन जी पिटाएगा क्या, यू क्या है, जीरो। कितना लगेगा आरे जोशी टाइम एच हाइट गिरने में, तनिषा क्या ये नहीं पढ़ाया है सर, रूट टू सेकेंड्स, रूट टू एच बाई जी, आई बात समझ में आयुष? अरे यू बाई जी तो तब होता ना आयुष जब यू स्पीड से थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में पहुंचेगा। ये स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, डोंट वरी हो जाएगा, टू एच बाई जी 11.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा रफली 23 बाई 10 रूट 2.3 कितना आ रहा है सर,
हाँ बोलो सर, वो माइनस 1.5 ही करेंगे ना? क्या फिर से बोलो सर? 11.5 में से 1.5 माइनस करेंगे ना? तो इसका मैन का हाइट दिया है क्या कुछ? यस सर, मैंने ये पढ़ा है, मैंने यहाँ पढ़ा ही नहीं. He run to catch the kid. Just ये है. Arm height is 1.5 meter. ये तो मैंने देखा नहीं. पूरा सवाल पढ़ा नहीं. है ना? तो ये आदमी दौड़ा है और यहाँ पे कैच करेगा. तो 10 meter ही हो जाएगा. है ना? एकदम सही कहा. मैंने वो सवाल वहाँ तक पढ़ा नहीं. तो ये आयुष क्लियर तुम्हें? ये 2 into कितना हो जाएगा? 10. कितना हो जाएगा? यहीं पे कैच कर लिया. अब इतने टाइम में इसको मैन को यहाँ पहुंच जाना चाहिए ना, तभी तो कैच कर पाएगा. तो 6 meter चलना है बच्चों. हाफ ए कितना होना चाहिए कि रूट 2 second में उसको पहुंचना है? कितना सिंपल सा है. एज कल टू क्या आ गया? ये 2 गया 6 meter पर सेकेंड पर. आसान है कि नहीं? यस सर. पूरा सा दिमाग लगाना है सर. जो हमने जो फॉर्मूला देखे थे वो टी के टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी और ये टी इज इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी, वो दोनों को जब यूज करते हैं सर हम, तो में डिफरेंस क्या है सर यूज करते समय? समझ में आ रहा है. अपना दिमाग ना घर पे रख के बैठता है तू, कैसे नहीं समझ में आता यार. आयुष तू कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो. तुझे लगता है सब सर बताएंगे तभी तुझे समझ में आएगा. बहुत सारी चीजें खुद से समझना होता है. वैसे तुम्हें पता है एक चीज कि जब तक तू अपना दिमाग नहीं लगाएगा ना कुछ नहीं हो पाएगा. अभी मैंने बताया कि जब हम इस बॉल को ऐसे यू स्पीड से थ्रो करते हैं, आयुष एकदम ध्यान से समझना, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज स्ट्रगल रहेगा तुम्हें. तुम मेहनत कर रहा है, तू सिंसियर है, ये मुझे पता है, लेकिन राइट डायरेक्शन राइट वे से नहीं कर रहा. यू स्पीड से थ्रो किए, मैंने पूछा ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे कब पहुंचेगा, मतलब कब इसका वेलोसिटी जीरो होगा, ये ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है. टाइम ऑफ एसेंट कितना बताया था? यू बाई जी. कैसे आया था? वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया. एकदम ध्यान से समझ. कंडीशन ये है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम. हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? जब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. बहुत प्यार से समझाया था. ए कितना है? नीचे है माइनस जी. टाइम कितना आ गया? यू बाई जी. कंसेप्ट क्लियर हो? ये क्या सवाल है? यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और मैंने तुमसे पूछा कान पकड़ना अपने मिरर के सामने जाकर के. रियली बता रहा हूं तभी तुम समझोगे, अदरवाइज मुझे भी परेशान करोगे, तू तो परेशान है ही. इसको कहा कि एच हाइट से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया. व्हाट इज द टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड? द टू आर डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट कंसेप्ट. अलग नहीं है? तुम यहां भी बोलो इक्वल टू यू बाई जी होगा. अरे व्हाट इज यू? कुछ यू दिया है इसमें? कहा है कुछ? इसको क्या कहा है? ड्रॉप. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. तूने यू बाई जी लगाया, वो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा रहे हो. और हम लोग 4 class ले चुके हैं. यू आर अटेंडिंग इन द टॉप बैच. सो आयुष इस सवाल को देखो, डिफरेंस समझो. इट्स नॉट कि मैं तुम्हें डांट रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा हूं थोड़ा कि तुम अपना दिमाग लगाओ कि दिस इज द टू डिफरेंट केस. यू मस्ट रियलाइज दिस. यस सर. अब इसमें क्या होगा? यहां से यहां गिरने का टाइम मैंने कितना प्यार से समझाया था. एच हाइट यहां गिरा है तो डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है, कितना टाइम लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है? जी है. नहीं अलग केस?
h is yes. ut plus half at square formula लगाएंगे u zero है half gt square t कितना हो जाएगा 2h by g का root so why the two equations ये दोनों परेशान कर रहा है तुझे थैंक यू सर सॉरी सर इट्स ओके सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं है ना यस सर चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और भी बच्चों को ये डाउट था क्या मुझे लगता है कि और भी बच्चों को ये डाउट तो होगा ही था कि नहीं ईमानदारी से बताना और किसको किसको ये डाउट था कि सर कभी 2h by g लगा देते हैं कभी u by g लगा देते हैं एनीवन ईमानदारी से बताओ यार मुझे पता चलेगा कौशल ने कहा नहीं सर तनिषा ने भी बताई नहीं सर ये क्लियर था चलो बच्चों तो आज कितना टाइम हो गया बच्चों आज नया टॉपिक क्या स्टार्ट करूं तुम्हारे डीपीपी का डाउट्स ले लूं सर हम सर मैंने आपको पूछा था वो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का 4 फोर किया ना नहीं किया क्या नहीं किया सर एक सेकंड देखो मुझे लगा पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 ना एक्सरसाइज यस सर नहीं ये एचएलपी हो गया एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का 4 ये वाला यस सर ओके बच्चों सर ये सेम टेस्ट में भी आया था अच्छा ठीक है ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली तो देखो सब एक ही मोशन है जिसे ए बी सी डी चारों एक ही मोशन है तीन एक है और एक दूसरा है शायद ऐसा कह रहा है ना इसमें देखते हैं बच्चों पहला क्या है पहला पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वेलोसिटी कम हुआ जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ है ना स्लोप इसमें क्या है वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ ये और ये तो सेम है कि नहीं बच्चों यस सर अब देखना इसमें देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है बच्चों अब देखना ये पोजीशन जीरो से पोजीशन आगे गया कुछ पोजीशंस तक गया है तो वेलोसिटी जीरो पोजीशंस पे क्या है कुछ पॉजिटिव है फिर क्या है पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है बच्चों वेलोसिटी फिर जीरो हो रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे तो किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो है इनिशियल पोजीशंस पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और फिर नीचे आ रहा है पोजीशन फिर घटना शुरू हुआ तो फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गया ना तो ये और ये भी एक ही जैसा है बच्चों देखो ये नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दो पॉइंट्स है जहां पे यहाँ पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव इसको देखते हैं बच्चों फोर्थ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका स्पीड देखते हैं बच्चों देखना है यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड जीरो फिर बढ़ा फिर मैक्सिमम हुआ फिर घटना शुरू हुआ तो वेलोसिटी पहले क्या है जीरो से बढ़ा है वेलोसिटी लेकिन ये सारे केस में वेलोसिटी पहले टी इक्वल जीरो पे कुछ है कि नहीं यही एक ग्राफ है जहां पे वेलोसिटी टी इक्वल जीरो पे जीरो है तो ये डिफरेंट है इज इट क्लियर
यस सर थैंक यू सर यहाँ पे वेलोसिटी इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहे कि व्हाट इज द स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो स्पीड वर्सेस टाइम का तो ये कैसा ग्राफ होगा जीरो से वेलोसिटी जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है फिर पोजीशन ये घटते घटते जीरो हुआ ऐसा है जबकि ये इसका ग्राफ ये है इसका ग्राफ अलग है सो फोर्थ इज डिफरेंट ठीक है ना यस सर ठीक है सर सर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हम ऐसे तो कह सकते थे ना कि जो उसकी अगर वो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो पोजीशन होगी उस पोजीशन पर वो टू टाइम्स सॉरी उसकी वेलोसिटी दो दो अलग कैसे होगी सर उसमें क्या किया तो आयुष अपने घर से निकला और तेरा दोस्त का नाम क्या है आदित्य तो आयुष अपने घर से निकला और आदित्य का घर जा रहा है ये सवेरे से मॉर्निंग वॉक करने गया 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 यहाँ पे तेरा तीसरा दोस्त है जो तेरे से बात नहीं करता बैठ के देख रहा है देखा कि आयुष ने इधर क्रॉस किया इस पर्टिकुलर पोजिशन पे है ना है ना 10 बजे और फिर 10:30 में फिर से वापस आया घर जा रहा है तो इसी पोजिशन पे वो दो टाइम पे है कि नहीं yes, sir. और दो अलग अलग वेलोसिटी है कि नहीं Yes, sir. यही तेरा तीसरा दोस्त देखा ना इज इट पॉसिबल यस सर क्लियर यस सर थैंक यू सर चलो बच्चों